एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगे पूरी न होने के कारण एक बार फिर से अपना काम छोड़कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि पिछले आंदोलन के दौरान सिरसा में कर्मचारियों पर मामले दर्ज किए गए थे, उनको रद्द किया जाए और साथ ही उनकी कई अन्य मांगे हैं जिन्हें विभाग ने पूरा करने का वादा किया था लेकिन अभी तक पूरी नहीं की, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो कल से प्रदेश भर में एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी जो आज की हड़ताल है, काम छोड़ो, हमने हड़ताल शुरू की है। 8 तारीख को हमने एमडी महोदय के साथ बैठक हुई जिसमें हमारा समझौता हुआ लिखित में, 10 दिन के अंदर अंदर आपकी एफआईआर वापस, सारे जितने भी आपके बढ़े हुए वेतन में संशोधन विसंगतियां वो दूर की जाएंगी, एक आरबीएसके का लेटर, एक ड्राइवरों का ओवरटाइम, और ये सारे लेटर उन्होंने रिटर्न में 10 दिन के अंदर अंदर जारी करने थे। जो 18 तारीख को समय बीत गया, हमने फिर भी प्रशासन को 2 दिन का अतिरिक्त समय देकर 21 तारीख को आज एनएचएम सिरसा पूरा काम बंद कर रहा है। अगर आज शाम तक भी प्रशासन नहीं जागता, हमारा स्वास्थ्य विभाग एमडी महोदय नहीं जागते, तो ये हड़ताल कल पूरे हरियाणा में फैल जाएगी, जिसकी जिम्मेवारी हमारी सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की होगी। हरियाणा सरकार, माननीय हमारे अनिल विज मंत्री जी, जो कि हमें सारी डिमांडें पूरी कर चुके हैं, लेकिन कुछ अधिकारी अपने अहंकार में आकर जो हमारी डिमांडों को नहीं देना चाह रहे, जो कर्मचारियों और सरकार के बीच में गैप बढ़ाना चाह रहे हैं, इस छवि को खराब करना चाहते हैं, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आज से अपना काम बंद करके अपना दरी पे बैठ गए, अगर प्रशासन नहीं मानता तो ये आंदोलन बढ़ जाएगा। और अब भी समय पड़ा है, हमारे मुकदमे वापस हो, हमारी वेतन विसंगतियों के अकॉर्डिंग हमारी जो बढ़ी हुई सैलरी है वो खातों में आए, आरबीएसके का लेटर जारी हो, ड्राइवर का ओवरटाइम भत्ता जारी हो, और कुछ कर्मचारियों को तो इतना तक कह रहे हैं सिरसा जिले में कि आपकी एसीआर पे सही नहीं होती। बताना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से, एसीआर एक ऐसी चीज है जिसमें कर्मचारी पूरे साल भर काम करता है, और एक छोटी सी बात के लिए उस पर साइन ना करना तो ये कितनी दुखद की बात है। ये सर अधिकारियों की दमनकारियों नीति के कारण जो आज की हड़ताल हो रही है, इसका नतीजा है।